भारत की नागरिकता लैण के मकसद नाल सबूत वजो दूसरे मुल्क के कागजात इकट्ठे कर रहे ये लोग भारत के नहीं पर अपनी आने वाली पीढ़ी के चंगे भविख में देखते हुए ये भारत की नागरिकता लैण लई पिछले एक दहाके तो भी ज़्यादा तो जद्दोजहद कर रहे हैं। असल च यह हिंदू परिवार एक दहाके तो भी ज़्यादा तो इस आसते पाकिस्तान के सियालकोट पिशावर अते होर कई शहरों तो आए सन कि भारत सरकार इन्हों नागरिकता दे देगी पर कई बार अप्लाई करन दे बावजूद निक्की मोटी त्रुटि होने ते ऑब्जेक्शन लगा इन्हों दियां आसां ते पानी फेर दिता जाता है। हाल यह है कि भारत की नागरिकता ना होने के कारण इन्हों दे परिवारों नू नौकरियां अते अपने बच्चों नू पढ़ाउण च भी दिक्कत पेश आ रही है जिस करके ये सरकार तो छेती नागरिकता की मांग कर रहे ने। और मैं सन 2000 में यहाँ भारत आया था वाया ट्रेन अटारी बॉर्डर रास्ते और हमने स्टेप बाई स्टेप सारा वीज़ा अप्लाई करते रहे हैं, एक्सटेंड करते रहे हैं वीज़ा और उसके बाद हमने नागरिकता अप्लाई की हुई है, दो बार करी है पहले, अब फिर दोबारा की हुई है और अब डिस्टर्ब भारत सरकार ने यानी कि कोशिश करके तो हमें नागरिकता देने का प्रबंध किया है। जैसे कि डी साहब ने कल 4-5 मेंबरों को सीनियरशिप दी है और इसके इसी तरह सभी जितने भी नागरिक वहां से पाकिस्तान से आए हैं और उन सबको नागरिकता दी जाएगी। हम डी साहब का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, कितनी फैमिलीज हैं यहां पे, कितने पासपोर्ट होंगे जिनके ऊपर ये अभी चल रहा है प्रोसेस? लगभग 150-200 फैमिली है जिसमें तकरीबन 350 का मेंबर के आसपास हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं। और अभी जब तक यहाँ पे रह रहे हो, जब तक ये नागरिकता वाला नहीं बना सीन, तब तक फिर बच्चों की पढ़ाई नौकरियाँ वगैरह कैसे चल रही हैं? नौकरी तो नहीं है सर, लेबर का है, नौकरी तो नहीं किसी के है पाकिस्तान से जो आए हैं। अच्छा, पढ़ाई स्कूल में भी दिक्कतें हो रही हैं कोई डॉक्यूमेंट की वजह से। कैसे मैनेज कर दो उसको? उसको अब सरकार ने थोड़ी सहूलतें दी हैं जैसे आधार कार्ड बने हैं और कुछ प्रूफ बैंक खाते बनवाए हैं सरकार ने, मोदी सरकार ने पीछे ऐलान किया था उसकी वजह से कुछ प्रूफ बने हैं। अब डी साहब ने भारत सरकार ने डी साहब को आदेश दिए हैं कि वो अपने लेवल पर ये नागरिकता दें और डी साहब इसमें हरकत में है कि वो नागरिकता दे रहे हैं। अब कल कुछ मेंबरों को उन्होंने नागरिकता दी है। काफ़ी देर पहले भी आए ने, जड़े लास्ट टाइम आए ने वो 2008 तो बाद कोई नहीं आया उधर। अच्छा। बाकी इधर उस पहला ने जड़े ने ते अप्लाई जदों दे आए ने हर सरकार दे जो कानून दे मुताबिक करते रहे ने, अप्लाई करते रहे ने ते कई रिजैक्शन लगते रहे ने और रिजैक्शन क्लीयर करके फिर दोबारा अप्लाई किए ने। आप वेखो सानू बड़ी खुशी हुई है भारत सरकार से भी और डीसी साहब से भी, कुछ फैमिलिया ने कल आए ने तो उन्होंने दिता सानू बहुत खुशी है। तो साड़ी यही सरकार अगे रिक्वेस्ट है भारत सरकार अगे भी तो डीसी साहब अगे भी जो फैमिली रहिंदियां ने उन्होंने भी करके कि इन्हें जड़े लोग ने पढ़े लिखे नहीं है कोई ना कोई गलती है, कोई छोटी मोटी गलती है तो उन्होंने नरनताल करके तो उन्होंने भी क्लीयर किया जाए कि उन्होंने बच्चों ने पढ़ाइया का या कोई भी जो भी सरकारी सहूलत ने सू मिल चाहिए ने क्योंकि जो साढ़े बच्चे पढ़न लिखे नहीं तो उन्होंने कितों नौकरियाँ मिलनगियाँ। तो इस करके सूँ जड़ा और बाकी नागरिकों आप करना कि सूँ यही है कि जो बच्चों मुश्किल आई है जो तू अपना मुश्किल कट के बच्चों की जिंदगी सवार वास्ते इधर आए हैं तो वो साड़ी हल होनी चाहिए है। बाकी अगर नागरिकता यह नहीं लैन रहे कि सूँ कोई सरकार को कोई फंड मिलन दे सूँ ये चीज़ नहीं चाहिए साढ़े बच्चों की कि जो सूँ अं उधर भी प्रदेश कटन रहे हाँ तो इतने आके भी आपको वही काम करना है तो फिर असं उधर ही चंगे हाँ। जे सूँ सरकार सहूलत नहीं देती पी तो सूँ फिर उधर ही चंगे उधर तो है ही हाँ दूसरे मजहब के दूसरी कौम के बच्चे इतने अं अपनी कौम च भी रह के तो फिर मुश्किल कटनियाँ ने तो साड़ी रिक्वेस्ट ही है भारत सरकार अगे और डीसी जलंधर साहब जलंधर अगे कि चलो साडा भी जे उन्होंने नागरिकता दी है तो साडे भी डॉक्यूमेंट जो भी कमियां पेशी आए क्लीयर करा के तो इन्होंने जल्द तो जल्द दी जाए। बेशक कुछ परिवारों नू नागरिकता दी गई है पर अजे भी बहुते परिवार ढिली कारगुजारी के कारण नागरिकता हासिल करन तो वांझे ने। हकीकत टीवी पंजाबी लई जलंधर तो दविंदर कुमार की रिपोर्ट।
कोई परेशानी नहीं जिसका कोई हल ना होवे। की तुसी परेशान हो ता आज ही संपर्क करो मियां सुबेर खान 98154-6154 पता लुधियाना 100% गारंटी नाल पाओ हर परेशानी दा हल। काम दी गारंटी स्टाम्प पेपर ते लिख के लवो तकदीर कदों बदलेगी सच्चा प्यार मिलेगा चा नहीं। मोहनी वशीकरण करवाओ मन चाह प्रेमी प्रेमिका अपने वस विच करो परेशानी जिवें प्यार च धोखा प्रेमी प्रेमिका च झगड़ा सौतन दुश्मन दा खात्मा तलाक केस विदेश यात्रा जमीनी झगड़ा कर्जा मुक्ति लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे चा लोटो मैक्स। प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो मियां सुबेर खान 98154-6154 पता लुधियाना।